नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं टिकटॉक बैन जो हुआ है दोस्तों, वो क्या अपने इंडिया में फिर से रिटर्न आएगा या नहीं। दोस्तों उसका चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि क्या कितने तारीख को आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों किसी भी रीजन के हिसाब से किसी भी मतलब कहीं का भी ऐप हो दोस्तों, उसे आप बंद कर सकते हैं, बट उसका रीजन बताना पड़े। इंडिया में दोस्तों टिकटॉक परमानेंटली बैन नहीं हुआ था दोस्तों, उसे बैन कर दिया गया था और उसके बाद वो अपना बड़े बड़े सोर्स पैर भी लगा के बड़े बड़े नेता के साथ मतलब वो अपना कंट्रोवर्सी कर रही है। और उसके बाद दोस्तों उस ऐप को चालू करने के लिए अपने इंडिया गवर्नमेंट पे दबाव बना रही है। तो दोस्तों जहाँ पे बॉलीवुड के एक्टर हो और 22 करोड़ से भी ज़्यादा ऑडियंस उस पर मौजूद हो उस प्लेटफॉर्म पे, तो उसका चांसेस तो बहुत कम बनता है अपने इंडिया से हटने के लिए। नहीं बैन हो गया है दोस्तों, बट उसका चांसेस बहुत ज़्यादा है आने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए अपने इंडिया गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स दोस्तों 77 क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो कंपनी 22 जुलाई को अपना स्टेटमेंट देगी, उसका आंसर देगी दोस्तों। उसका मतलब जो भी रीजंस होगा वो अपना रीजंस बताएगी। 77 क्वेश्चन दोस्तों, यदि जितने भी एप्लीकेशन है 59, यदि उसमें से जितने अपने 100-100 क्वेश्चन का आंसर दे देती है और इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि सही है और इसका डाटा सिक्योर है, अपने इंडिया में रहता है और कहीं लीक नहीं होता है, तो उसे फिर ये कंट्रोवर्सी 22 जुलाई तक नहीं दोस्तों 30 जुलाई तक चलता रहेगा। 30 जुलाई के बाद हो सकता है कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए और 1 अगस्त को दोस्तों फिर से अपने इंडिया में टिकटॉक वापस आ सकता है। यदि 77 क्वेश्चन का आंसर देता है, 77 क्वेश्चन का आंसर देता है, तो अपने इंडिया में फिर से वापस आ सकता है दोस्तों। मुझे तो उम्मीद है कि 20-22 एप्लीकेशन फिर से वापस आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से पता चल गया होगा कि मतलब जो भी कुछ इम्पोर्टेंट ऐप है वो आने वाले समय में आ सकता है यदि वो अपना 77 क्वेश्चन का आंसर देती है तो, नहीं देती है तो नहीं आ पाएगा कोई भी एप्लीकेशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।